बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैंने जो आज आप लोगों के लिए टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। और इस स्मॉल वीडियो में मैं आपको थोड़ी सी बेसिक्स बताऊंगा कि व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ इन्वेंट्री किसी भी मैनेजमेंट। इन्वेंट्री इन्वेंट्री मैनेजर के लिए द बिगेस्ट चैलेंज इज टू मैच द डिमांड वर्सेस सप्लाई। ठीक है, दिस इज़ द की ऑब्जेक्टिव ऑफ अ इन्वेंट्री मैनेजर। आपको पता है कि डिमांड क्या होती है कि बेसिकली दैट इज़ द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द कस्टमर्स ऑफ डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज विच आर बीइंग ऑफर्ड इन द मार्केट। ऑन द अदर हैंड, आपको सप्लाई की कैपेबिलिटी देखनी पड़ती है कि उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए या कस्टमर की डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए आपके पास कितनी सप्लाई एबिलिटी है और कितने सप्लायर्स इसके अवेलेबल हैं। ठीक है, कितनी कैपेसिटी है उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए। तो ये मैच जो है ना, दैट इज़ वेरी वेरी की, पर्टिकुलरली द सप्लाई चेन मैनेजमेंट की फील्ड के अंदर। अच्छा, बिफोर गोइंग इन टू द डिटेल्स, मैं आपको बता दूं कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, खासतौर पे फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स के लिए, कि देयर आर ओनली थ्री टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री, जिसमें आपका रॉ मटेरियल आ जाता है, सेमी फिनिश प्रोडक्ट या वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री आ जाती है, और फिनिश प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। बट अगर आप टोटल इन्वेंट्री की बात करें क्लासिफिकेशन की, तो इट्स मोर देन दैट। ठीक है, जहाँ पे 6 या 7 एग्जाम्पल्स हैं जो कि इन्वेंट्री की फॉर्म में आती हैं। अच्छा, सेग्रीगेशन करने का किसी भी चीज़ का तरीका इस वजह से बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब तक आप सेग्रीगेट नहीं करेंगे उस वक्त तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि किस कैटेगरी को आपको क्या सिग्निफिकेंस देनी है, क्या प्रोपोर्शन से आपको सिग्निफिकेंस देनी है। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री। तो अगर मैं टाइप्स की बात करूँ तो यस, द फर्स्ट वन इज़ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या है कि बेसिकली किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए आपको एक बेसिक रॉ मटेरियल चाहिए होता है। अगर मैं टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात करूँ तो वहाँ पे आपका जो है कॉटन यार्न आपका बेसिक रॉ मटेरियल है। अगर मैं बॉटल बनाने के लिए बात करूँ तो उसके लिए आपका PET रेजिन जो है वो आपका बेसिक रॉ मटेरियल है। अगर मैं स्टेशनरी प्रोडक्ट जैसे पेन हो गए, बोर्ड मार्कर्स हो गए, उनके लिए आपको जो है वो बेसिक रॉ मटेरियल चाहिए होगा, जिसमें PP भी शामिल हो सकता है, ABS भी शामिल हो सकता है, प्लास्टिक की डिफरेंट जो है वो कैटेगरीज हैं, या आपका जो है वो पॉलीएथिलीन भी शामिल हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह के डिफरेंट आइटम जो है, या ABS भी हो सकता है, डिफरेंट मटेरियल आ सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये रॉ मटेरियल जाता है। फिर वर्क इन प्रोसेस जो होता है वो बेसिकली सेमी फिनिश इन्वेंट्री है, जो कि आपने रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके जो है वो बिल्ड किया है स्टॉक। ठीक है, और फिर उस वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री को आप फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, जो कि बेसिकली फाइनली सोल्ड टू द कस्टमर्स। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे आइटम्स ऐसे हैं जो आपको जो है अपनी मैन्युफैक्चरिंग साइट पे स्टॉक करके रखने पड़ते हैं, जो कि सपोर्ट कर रहे होते हैं आपकी प्रोडक्शन और डे टू डे अफेयर्स को, जिसमें कंपोनेंट्स आ जाते हैं, जैसे पार्ट्स होते हैं, सब असेंबलीज होती हैं। ठीक है, जो कि फाइनल प्रोडक्ट में भी समटाइम्स यूज़ होते हैं, और उसके ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए भी स्पेयर पार्ट्स चाहिए होते हैं मशीनरी के लिए, जैसे वी बेल्ट हो गया आपका, मोटर हो गई, इसके अलावा आपका हार्डवेयर्स हो गया। सही है, ये स्पेयर पार्ट्स डिफरेंट इक्विपमेंट्स के लिए आपको मशीनरी पार्ट्स चाहिए होते हैं, रोटर हो गया वगैरह वगैरह। फिर कंज्यूमेबल्स पे आ जाते हैं। अब कंज्यूमेबल्स में आपके पास बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं आपको सपोर्ट करने के लिए डेली ऑपरेशन, जिसमें ऑयल होता है, पेपर होता है, स्टेशनरी होती है, क्लीनर्स होता है, आपके पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जिसको PPEs कहते हैं वो होते हैं। फिर फाइनली एक होती है डिस्ट्रीब्यूशन इन्वेंट्री। डिस्ट्रीब्यूशन इन्वेंट्री वो इन्वेंट्री है जो कि पैक्ड फॉर्म में फिनिश गुड जो है वो अवेलेबल है इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू फर्दर डिलीवर इट टू द एंड कस्टमर। तो यू कैन सी कि देर आर मैनी टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री जिसको आप प्रॉपरली सेग्रीगेट करेंगे और देन उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखेंगे, ताकि आपकी ट्रैकिंग आसानी हो जाए। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको ये बताना है कि व्हाट इज़ इन्वेंट्री, व्हाट आई फील कि कैपिटल टाइड अप इन द बिजनेस। ठीक है, तो जितना इन्वेंट्री आपके पास है दैट इज़ बेसिकली अ कैपिटल। उसको आप जब तक डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश, और जब कैश नहीं होगा तो आपके पास लिक्विडिटी के इश्यूज आ जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको ऑलरेडी पिछली जो स्लाइड है उसमें एक्सप्लेन किया कि देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास कंपोनेंट्स की, स्पेयर पार्ट्स की, कंज्यूमेबल्स की, सेमी फिनिश प्रोडक्ट की, फिनिश प्रोडक्ट की और रॉ मटेरियल की पिक्टोरियल एग्जाम्पल्स भी मौजूद।
तो आज का ये छोटा सा जो वीडियो था वो मैंने बताया था कि बेसिक्स ऑफ इन्वेंट्री के ऊपर। बाकी आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सप्लाई चेन राइजिंग के नाम से हम लोग लिंक्डइन पे, फेसबुक पे और भे भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा यूट्यूब चैनल भी सप्लाई चेन राइजिंग के नाम से अवेलेबल है, और सप्लाई चेन राइजिंग है gmail.com। इस पे आप अपने कमेंट्स मुझसे शेयर भी कर सकते हैं, और किसी को स्पेसिफिक अगर कोई गाइडलाइन सप्लाई चेन से रिलेटेड चाहिए, किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर अगर आपको बात करनी है, तो वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं।